स्टूडेंट्स, ये आपके लिए फर्स्ट वीडियो 12th क्लास की स्टिल लाइफ की फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। यह ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन इधर आता है कि ड्रा स्टिल लाइफ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग विद ईच अदर एंड शेड विद पेंसिल। ठीक है, इससे हमने ऑब्जेक्ट्स को बनाना है। ऑब्जेक्ट्स बनाकर आपस में ओवरलैप करना है। पर ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सीधा कैसे बनाएंगे वो जरा आप ध्यान से देखिए कि आपने सबसे पहले बेस लाइन लेना है। बेस लाइन के ऊपर आप यदि एक्सिस लाइन सीधी लेते हो और इसके सपोज आपने ग्लास बनाया तो ग्लास का बेस लाइन लोगे तो जितना बेस लाइन है जितना इधर उतना इधर आएगा। ऐसे ही आप इसका टॉप लोगे जितना इधर है एक्सिस लाइन से उतना इधर आएगा। इन दोनों को आप मिलाओगे और मिला के आपका ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो सीधा बनेगा। यदि आपने राउंड ऑब्जेक्ट कोई बनाना है फिर आप एक्सिस लाइन सीधी लोगे बेस लाइन के साथ, ये 90 डिग्री होगा ऑलमोस्ट। और उसके बाद आप ये कर्व एक साइड में आप यदि कर्व आप खींचते हो तो इसके साथ पैरेलल लाइंस आप कुछ बेस लाइन के साथ पैरेलल लाइंस आप खींचते हो और जितना ये है इतना ही आप इधर कट करते हो। इतना कट किया आपने, इधर से इतना कट किया, इधर से आपने इतना कट किया, तो इसके ऊपर जब आप ये लाइन पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपका ये पॉट एज इट इज बनेगा। अदरवाइज बच्चों का पॉट दूसरी लाइन से क्लियर नहीं आता है या टेढ़ा बनता है। तो और दूसरी एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो दो आप एंगल्स ध्यान रखिए। ये आपका एक्सिस लाइन हमेशा 90 डिग्री पर रहेगी। एक इसका बीच का जो हाफ इसका करेंगे तो ये 45 डिग्री हो जाता है या ये 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने कोई भी चीज बनानी है तो आपने एक बुक सपोज आपने बनानी है, बुक एक बनाई है तो आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे। इसके बाद इसका हाफ आप 45 डिग्री आएगा, बट 45 से थोड़ा सा कम लोगे तो 30 डिग्री पर आप लाइन खींच दो। इसका स्ट्रेट लाइन एक और इधर ले लीजिए। इसके बाद आप बुक की जो हाइट है वो हाइट आप इस जितनी आपने हाइट कट की उतना आप पैरेलल लाइंस लेंगे। इधर से पैरेलल लाइन आ जाएगी, फिर इसकी जो चौड़ाई इसकी जो विड्थ है विड्थ को आप स्ट्रेट करोगे 90 डिग्री पर। यहाँ से भी आप कर लिए 90 डिग्री और इसको कर्व दे दोगे जैसे इंग्लिश का सी लेटर होता है ऐसे ही आप कर्व दोगे इधर से इस साइड में। और जो ये आपके पास दो पॉइंट्स आएंगे इनसे आप पैरेलल आप मिलाओगे इधर, इसके पैरेलल ये लाइन और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, तो इससे आपका बुक का शेप आ जाएगा। ठीक है, और यही बॉक्स बनाने का तरीका, इसी से सब चीजें बनेंगी। और बॉक्स बनाने का सेकंड तरीका ये भी है कि आप बॉक्स के लिए आप स्ट्रेट लाइन लोगे। इधर 30 30 डिग्री ऑलमोस्ट एंगल लिया था आपने। ठीक है, यहाँ पर आप सपोज एक 45 डिग्री का लेते, 90 डिग्री लिया उसके सीधा आपने आधा कर दिया और वही बुक की आपने स्ट्रेट आपने लाइन लिया और इधर से मिलाया इसकी लेंथ और विड्थ और फिर इसके पैरेलल लाइन इधर से आएगी और इसके पैरेलल लाइन इधर से आएगी। इसके बाद आप ये सी लेटर से एक तरफ आप लाइंस डाल दोगे, इधर लाइंस डाल दोगे तो आपका ये बुक आपका तैयार हो जाएगा। और इसी बॉक्स से आप सब कुछ बना सकते हो। जैसे आपने बताया कि दो बॉक्स बनाने के तरीके आपको बताए थे कि एक तो 30 30 डिग्री एंगल वाला और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा 45 डिग्री। इसके स्ट्रेट लाइंस आप खींचोगे, ये आपके जैसे सपोज बॉक्स बनते हैं इधर, इसके बाद स्ट्रेट लाइन और आपका ये बॉक्स बनता है। ठीक है, इससे ही आप सब चीजें बना सकते हो। सपोज आपने चेयर बनानी, टेबल बनाने तो आपका ये चेयर बन जाएगी, इसको आप रब करते हैं तो इधर से आपका टेबल बन जाएगा, इसी बॉक्स से आपका सब चीजें आप इसी बॉक्स से आपकी बन जाएंगी। तो आपने ये चीज आपने जरा ध्यान रखनी है सारी। और इसके बाद में आपके सेकेंड वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा कि कैसे आपने ओवरलैपिंग करना है ऑब्जेक्ट्स का। ओके, थैंक यू।